ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਵੇਦ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀ ਬੰਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਕਈ ਡਿਕੇਡਸ ਤੋਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ
संचारू ढंग दे नाल पॉजिटिवली लेना चाहिए। असी अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अपनी सरकार इंडियन गवर्नमेंट नूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नूं, अते अपने जिहड़े फॉरन मिनिस्टर ने श्रीमती सुषमा स्वराज जी नूं कि वह भी जल्दी इहदा ऐलान करन तां कि ये जिहड़ा लंघ आया परमानेंट तौर पर खोलिया जा सके। या 550 साल शताब्दी के समागम आ रहे हैं गुरु नानक देव जी के, जिहड़े कि सारे संसार में बहुत ही सत्कार नाल श्रद्धा नाल मनाए जाने हैं, उस तो पहला ये लांघा खोलिया जाए ताकि संगतां बिना रोक टोक तो बिना किसी वीजे तो उत्थे जाके दर्शन कर सकन। नवजोत सिंह सिद्धू का रोल एक व्यक्तिगत उहदा उपराला आ। नवजोत सिंह सिद्धू जी नूं एक मौका मिल गया सुभाविक तौर पर जदों अपने मिस्टर इमरान खान जी की सी स्वेरिंग इन उत्थे गए एंड उन्होंने मौका मिल गया। उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि कुदरती जिहड़ा हैगा एक सीगा उन्हां दा उत्थे होना, अपने उन्होंने उत्थे मौका मिल गया जाण दा, कुदरती तौर पर उत्थे वो प्रेजेंट सीगे जां उत्थे हाजिर सीगे, जिस करके जनरल बाजवा ने उन्होंने ये अगर कहा तो असीं ये पहलां भी कहिंदे सीगे कि जनरल बाजवा नूं इस बारे क्लैरिफिकेशन जरूर देनी चाहिए है, पर अगर बाजवा साहब ने कहा चंगी गल आ, उन्हें वैलकम करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के जाण नाल अगर ये जिहड़ी मसला इंडिया पाकिस्तान के अपने वो संबंधों में मुख्य तौर पर उभर के सामने आया, ये भी चंगे संकेत ने। लेकिन एक व्यक्ति नहीं हैगा ये पिछे, कला व्यक्ति कहे कि मैं ही सारा यदा जिहड़ा हैगा जिम्मेवारी लवां, सारा क्रैडिट मैनू मिले, वो गल नहीं बनती। ये पिछे बहुत लंबा संघर्ष आ, उहदे विच बहुत जथेबंदियां ने अपना योगदान पाया, तो नवजोत सिंह सिद्धू नूं कुदरती तौर पर सुभाविक तौर पर वह मौका मिल गया। एक व्यक्तिगत शख्सियत का रोल नेगा समुचे सिख जगत का, गुरु नानक नाम लेवा संगत का, सारे पंजाबियों का, अते बाहरलियां जिहड़ियां गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां ने अमेरिका दियां, यूरोप दियां, या होर जिहड़े देशों दियां कमेटियां ने, उन्होंने भी ये विच अपना वड्डा योगदान पाया है। ये सारे सिख जगत की प्राप्ति होगी। जिहड़ा जिहड़ा बंदा ये अपना योगदान पाउंदा आ उहनूं असीं वैलकम करांगे, उहदा स्वागत करांगे। ये जिहड़ी संस्था आ गुरद्वारा करतारपुर साहब दर्शन अभिलाषी संस्था, ये नॉन पोलीटिकल ऑर्गनाइजेशन आ, ये सारिया पार्टियां ने अपना योगदान पाया। लेकिन चलो वडाला साहब अकाली दल के लीडर सके, असी अकाली दल नाल जुड़े हैं, सेवादार हाँ, होर पार्टियां के भी सारे लीडर साढ़े नाल ने, सारिया का, चाहे कोई कांग्रेस पार्टी का लीडर होवे, आम आदमी पार्टी का होवे, या किसी होर पार्टी का होवे, उन्हूं असी वैलकम करते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ नॉन पोलीटिकल ऑर्गनाइजेशन। ये सारे पंजाब का, पंजाबियों का साझा मसला आ जिहड़ा कि हुण हल होण दे किनारे है। तो फिर असी अपील करते हैं सारी गुरद्वारा करतारपुर साहब दर्शन अभिलाषी संस्था वालों, पाकिस्तान जिहड़ी गवर्नमेंट का बयान आया उन्हूं असी वैलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, अपील करते हैं मोदी साहब नूं, श्रीमती सुषमा स्वराज जी नूं, ते सारी इंडियन गवर्नमेंट नूं, असी जावांगे भी अपने टाइम लैके मोदी साहब को, श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भी जावांगे, अपनी लीडरशिप नूं नाल लैके जावांगे, अपने जिहड़े मिनिस्टर्स ने चाहे बीबी हरसिमरत कौर बादल होण या श्री विजय सांपला होण, उन्होंने भी गुड ऑफिसर्स नूं यूज़ करांगे ताकि इंडियन गवर्नमेंट भी तैयार होवे, तो यह लांघा छेती जिहड़ा सुपना सीगा सिख पंथ का वह स्वीकार हो सके, लांघा छेती बन सके। सो सारिआं दा इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।